हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, बीए फोर्थ सेम के जो स्टूडेंट्स हैं और बीए फोर्थ सेम के जो स्टूडेंट्स जिनके पास हिंदी है तो उनसे संबंधित यहां पर नोट्स लेकर आए हैं। आपके जो यूनिट है, यूनिट आपकी फोर्थ यूनिट है, फोर्थ या फिफ्थ यूनिट है, अभी सिलेबस नहीं है हमारे पास, लेकिन उसमें आपका एक चैप्टर है तुम्हारी स्मृति, जो लिखा गया है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा, और यह एक संस्मरण है जो इनके द्वारा लिखा गया है तुम्हारी स्मृति। अब यहाँ पर आपको बता दें, इसमें तुम्हारी स्मृति से संबंधित जितने भी टॉपिक आपके क्वेश्चंस के बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो उससे संबंधित यहाँ पर कंटेंट है। एक तो सबसे पहले संस्मरण की अवधारणा आपसे पूछी जा सकती है, हिंदी में संस्मरण लेखन की परंपरा आपसे पूछी जा सकती है। जब मैंने आपका क्वेश्चन बैंक अपलोड किया था, क्वेश्चन बैंक अभी शायद नहीं अपलोड किया, उसको जल्दी करूँगी मैं, 16 में आपका पेपर है उससे पहले अपलोड कर दूँगी, हो सकता है आज ही अपलोड कर दें, लेकिन वो हाफ ही है, पूरी सारी यूनिट से वहाँ क्वेश्चंस नहीं बन पाए हैं। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं तुम्हारी स्मृति की अंतर्वस्तु क्या है, तुम्हारी स्मृति की संरचनात्मक विशेषता क्या है। तो इसमें से चार टॉपिक तो आप ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, क्या है तुम्हारी स्मृति इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले यहाँ देख लेते हैं, इन्होंने कहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा विरचित संस्मरण तुम्हारी स्मृति का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है इसमें जो उन्होंने लिखा है लोकमान्य तिलक के बारे में लिखा है। तो जो तुम्हारी स्मृति पूरा उन्होंने लोकमान्य तिलक के बारे में यहाँ पर बताया है, और लोकमान्य तिलक के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है कि स्वाधीनता संग्राम में उनका क्या योगदान रहा, वे केवल राष्ट्रीय चिंतक नहीं थे बल्कि धर्म और संस्कृति के रक्षक भी थे, उनमें निर्भकता थी, निडरता थी, स्पष्टता थी और साहस था, ये सब उनके चरित्र में देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि जो तुम्हारी स्मृति माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है तो उन्होंने लोकमान्य तिलक के जो व्यक्तित्व है उसके बारे में क्या क्या बताया है, क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। जो चैप्टर है वो वही क्वेश्चंस ज़्यादा बनेगा यहाँ से। और जैसे आपका महादेवी वर्मा निराला भाई है तो वहाँ पर भी निराला जी के व्यक्तित्व के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, महादेवी वर्मा के द्वारा जो वर्णन किया गया है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया, देशवासियों की गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने की उन्होंने पूरी कोशिश की और सारी उम्र इसमें लगे रहे। उन्होंने ही सबसे पहले संपूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी, स्वराज्य की स्थापना के लिए आजीवन उन्होंने संघर्ष किया, और ये स्वराज्य मेरा जीवन सिद्ध अधिकार है, ये MCQs में बहुत पूछा जाता है, GK में भी। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि महान राष्ट्रपुरुष लोकमान्य तिलक संस्मरण माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है, और उन्होंने हिंदी साहित्य अब यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में है, वह एक राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख हस्ताक्षर उनको कहा जाता है। उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा, सभी को पता होगा कि जो उन्होंने पुष्प की अभिलाषा है कि एक पुष्प इच्छा कर रहा है कि जो चाहे मुझे मंदिर में मत चढ़ाओ, चाहे भगवान के चरणों में मत चढ़ाओ, लेकिन मुझे वहाँ जरूर फेंक देना जहाँ पर क्या निकलते हैं, एक सैनिक का शव निकलता है। तो इस तरह की एक कविता इनकी है, बहुत स्टूडेंट्स को पता भी होगा उसके बारे में, बहुत फेमस है ये, इनकी प्रसिद्ध कविता है। उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से लोक जागरण कार्य करने का स्वाधीनता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनका समूचा साहित्य राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत रहा है, राष्ट्र प्रेम या देशभक्ति रही है माखनलाल चतुर्वेदी की। और जितना भी इन्होंने लिखा है ज़्यादातर जैसे रामधारी सिंह दिनकर हैं और माखनलाल चतुर्वेदी हैं, ये सब राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। संस्मरण के बारे में आप देख सकते हैं प्रश्न, संस्मरण मैंने कहा था कि संस्मरण रेखाचित्र में क्या अंतर है, संस्मरण किसे कहते हैं, रेखाचित्र किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाएँ अवधारणाएँ बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा, प्रश्न 100% यहां से बनेंगे ही बनेंगे आपके, ठीक है। संस्मरण शब्द का अर्थ नालंदा विशाल शब्दसागम ने स्मरण करना या गिनना माना जाता है, अंग्रेजी भाषा में इसके लिए मायोयर शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है वृतांत। यदि संस्मरण शब्द के व्युत्तिपरक अर्थ पर विचार किया जाए तो इसकी उत्पत्ति स्मर धातु से सम उपसर्व प्रत्यय ल्युट लगने से हुई है जिसका व्युत्पत्तिगत अर्थ है सम्यक संस्मरण।
इन सभी अर्थों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, दृश्य जिसको हम कैसे याद करते हैं, आत्मिक यानी कि आत्मा से स्मरण करते हैं, याद करते हैं। महादेवी वर्मा ने स्मरण की परिभाषा को बांधते हुए लिखा, देखिए इनकी परिभाषा महादेवी वर्मा की। अब यहाँ तो आप डाल सकते हैं यहाँ तक अर्थ में, फिर यहाँ डाल सकते हैं परिभाषा, क्या कहा इन्होंने, संस्मरण लेखक की स्मृति से संबंध रखता है और स्मृति में कहीं अंकित रह जाता है जिससे उसके भाव या बोध को कभी गहराई से उद्धृत किया गया हो। एक परिभाषा योग, दूसरी परिभाषा डॉक्टर गोविंद त्रिनावगत के अनुसार, भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनात्मक शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट कर रोचक ढंग से यथार्थ रूप को प्रस्तुत कर देता है, उसे संस्मरण कहते हैं। तो ये दो परिभाषाएं हो गई, अर्थ हो चुका, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, संस्मरण का अन्य विधाओं से संबंध। अब देखिए यहाँ पर रेखाचित्र और संस्मरण का संबंध आपसे पूछा जा सकता है और संबंध को ही आप अंतर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पूरा आपका है, फिर संस्मरण और आत्मकथा से इसका संबंध, संस्मरण और जीवनी से संबंध, संस्मरण और निबंध से संबंध। खैर इतना तो नहीं आएगा, लेकिन ऊपर के जो दो तीन हैं वहाँ से आपके बारे में जरूर पूछा जा सकता है। प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, संस्मरण विधा की दो विशेषताएं लिखिए या फिर संस्मरण विधा की व्युत्पत्ति अर्थ पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब जैसे मैंने अंतर बताया था तो संबंध भी आपका पूछा जा सकता है ना। चलते हैं आगे, हिंदी में संस्मरण लेखन की परंपरा कहाँ से आई, किसने श्री गणेश किया। अब मैं थोड़ा स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए जिससे आपके पास प्रॉपर नोट पहुँच जाएंगे। एक ये पैराग्राफ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक ये पैराग्राफ है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी स्मृति की विशेषताएँ, स्क्रीनशॉट लेते रहिए जल्दी जल्दी, या फिर वीडियो को पोस्ट करके आप पढ़ लीजिएगा। ये रहा इसकी विशेषताएँ हैं, यहाँ से प्रश्न आपके MCQs आपके पूछे नहीं जाते हैं। तुम्हारी स्मृति की अंतर्वस्तु क्या कहा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी ने तुम्हारी स्मृति संस्मरण में लोकमान्य तिलक के बारे में क्या कहा है, और जितनी भी ये तुम्हारी स्मृति है सारा किसके इर्द गिर्द घूमता है, ये लोकमान्य तिलक के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता है। पोस्ट करके वीडियो को देखते रहिए या फिर स्क्रीन शॉट लेकर इसको नोट डाउन कर लीजिए या पढ़ लीजिए। एक ये रहा पैराग्राफ पूरा इसका, ये पूरा सारांश आपके पास पहुँच जाएगा, हो सकता है इसका सारांश ही आपसे पूछ लिया जाए। एक पैराग्राफ ये रहा, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ ये रहा, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके बाद ये रहा। अब देख लीजिए, लोकमान्य तिलक का आविर्भाव किन स्थितियों से हुआ था, ये प्रश्न बन सकता है। अब लोकमान्य तिलक के चरित्र में राष्ट्रीय प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर पूरा का पूरा इनका चरित्रण पूछ लिया गया है या व्यक्तित्व के बारे में पूछ लिया गया है। बस इतना ही आपका था, ये थोड़ा सा और है, इसको भी आप देख सकते हैं। तुम्हारी स्मृति की संरचनात्मक विशेषताएं, ठीक है। चलिए बने रहिए हिंदी यूनिट के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए, क्योंकि आप हमसे बने रहते हैं तभी इतना अच्छा कंटेंट आप तक पहुंच पाता है। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हिंदी यूनिट का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो बन जाइए, क्योंकि